Hello everyone, let's start with question number 9. So it says, in triangle ABC right angled at B, if tan A equals 1 under root 3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C. So सबसे पहले we have to draw the figure from the information. तो यहाँ पे हमारे पास एक angle है A और उसके respect में हमें दिया हुआ है tan A. Tan A is 1 over under root 3. अब इसको हम k की फॉर्म में कर लेंगे. देन वी विल राइट हियर टिल पेंटेड ब्लैक, दैट मींस p ओवर b. परपेंडिकुलर हमारा 1k हो गया और बेस हमारा अंडर रूट 3k हो गया. अब यहाँ पे a b c लिख लो और यहाँ पे उन्होंने बोला था दैट राइट एंगल दैट b, तो b वही लेना जहाँ पे आप 90 डिग्री बना रहे. तो सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है. अब हमें यार यहाँ पे देखो कि साइन ए भी निकालना है, कॉस सी भी निकालना है, तो बहुत सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे टू फाइंड द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन. उसके लिए हमें हाइपोटेनियस भी चाहिए होगा. सो लेट्स फाइंड हाइपोटेनियस फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो 1k स्क्वायर प्लस बेस, बेस इज अंडर रूट 3k स्क्वायर. सो 1k स्क्वायर इज 1k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर. सो k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर इज 4k स्क्वायर. अब जब हाइपोटेनियस का स्क्वायर आप राइट हैंड साइड लेकर जाओगे तो हाइपोटेनियस विल बी अंडर रूट 4k स्क्वायर. सो यू गेट 2k, आपको AC मिल गया 2k. अब यहाँ पे हमें बहुत सारे एंगल फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट की वर्किंग करेंगे. साइन ए निकालते हैं, कॉस सी निकालते हैं, कॉस ए निकालते हैं और साइन सी निकालते हैं. ये चार हमें चाहिए एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ताकि हम इवेल्युएट कर पाए फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को. तो सबसे पहले साइन ए निकालने के लिए यू नो दैट सम पीपल हैव वाली सेइंग. सो पी ओवर एच हो गया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस हो गया. परपेंडिकुलर कितना है, 1k है. हाइपोटेनियस कितना है, 2k है. सो इट विल बी हाफ. अब कॉस ए पे आते हैं, तो कॉस ए क्या होता है, b ओवर h, बेस ओवर हाइपोटेनियस. तो बेस कितना है आपका इस केस में, अंडर रूट 3k. हाइपोटेनियस कितना है, 2k. k से k कैंसिल कर दो, साइन a की वैल्यू भी आ गई आपके पास और कॉस a की वैल्यू भी आ गई. अब यार बात आती है साइन सी और कॉस सी की. तो हमारा एंगल देखो कहाँ पे है, ऊपर की तरफ. दिस इज माय एंगल. अब जब हमारा एंगल चेंज हो जाता है तो हमारे बेस और परपेंडिकुलर में भी चेंज आता है. हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, हाइपोटेनियस इज 2k, लेकिन जहां पे आपका एंगल बना होता है वो हमारे लिए अब क्या हो जाता है, बेस. और ये जो दूसरा वाला पार्ट है इट विल बी माय परपेंडिकुलर. सो कॉस सी निकालते हैं सबसे पहले. तो कॉस होता क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनियस. सी एंगल, एंगल क्या है, सी. सी की तरफ से देखोगे बेस क्या हो गया, 1k. हाइपोटेनियस क्या है, 2k. k से k कैंसिल करो, यू विल गेट हाफ. साइन सी निकालते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है आप लोगों को, अंडर रूट 3k. हाइपोटेनियस कितना है, 2k. k से k कैंसिल करो. तो आपके पास साइन ए भी आ गया, कॉस ए भी आ गया, कॉस सी भी आ गया, साइन सी भी आ गया. अब हम फर्स्ट वाली वैल्यू फाइंड करें. सो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी आपकी साइन ए. साइन ए आपका है हाफ इनटू कॉस सी. कॉस सी है आपका हाफ प्लस कॉस ए. कॉस ए इज अंडर रूट 3 ओवर 2 इनटू साइन सी, अंडर रूट 3 ओवर 2. सो हाफ इंटू हाफ इज 1/4 प्लस 3/4. सो 1/4 प्लस 3/4 इज 4/4 विच विल बी 1. अब बात आती है सेकेंड वाले की. बस कुछ नहीं करना हमें, बस वैल्यूज को रिप्लेस करना. तो सबसे पहले है आपका कॉस ए. कॉस ए इज अंडर रूट 3/2 इंटू कॉस सी. कॉस सी की वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोगों को, हाफ प्लस, नो इट इज माइनस.
उसके बाद आपके पास है साइन ए, साइन ए की वैल्यू हाफ है, देन साइन सी की वैल्यू अंडर रूट थ्री ओवर टू, सो यू गेट अंडर रूट थ्री ओवर फोर माइनस अंडर रूट थ्री ओवर फोर, तो ये आपकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। फर्स्ट की वैल्यू आपकी वन आई है सारी वैल्यूज पुट करके, सेकेंड की वैल्यू आपकी आई है जीरो। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9. थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.